प्रेयर्स में कितनी पावर होती है, प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है, इसका एक जीवंत उदाहरण, ट्रू स्टोरी हम देखेंगे। तो एक बार एक डॉक्टर थे, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर, इंडिया में रहते थे, चेन्नई में रहते थे। ही वॉज अ कैंसर स्पेशलिस्ट, और वो भी चाइल्ड कैंसर स्पेशलिस्ट थे, और ही वॉज वेरी फेमस। और जब भी ऑपरेशन करते थे उनका ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल होता था। तो बहुत सारे लोग उनके पास आते थे, बहुत सारे पेशेंट्स आते थे। ही वॉज अ चाइल्ड कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो एक बार उनका सेमिनार था, प्रेजेंटेशन था दिल्ली में, उधर अरेंज किया था। तो उनको जाना था चेन्नई टू दिल्ली, तो उन्होंने फ्लाइट बुक किया चेन्नई टू दिल्ली। और जब फ्लाइट बोर्ड किया, सब सामान वगैरह लेके, और जब प्लेन हवाई जहाज उनका हवा में था, तो बीच में ही टर्बुलेंस हो गया और प्लेन हिलने लगा। और फिर पायलट ने डिसाइड किया कि अगर वो आगे जाएंगे तो प्लेन का एक्सीडेंट हो सकता है। सो द पायलट डिसाइडेड वी हैव टू डू इमरजेंसी लैंडिंग समवेयर। तो इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। उन्होंने अनाउंस किया कि हम इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं, हम दिल्ली पहुंचे नहीं है, बीच में ही हमें कहीं तो इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगा। तो ये जो डॉक्टर थे वो चिंतित हो गए, सभी चिंतित हो गए। लेकिन फिर वो जो पायलट था उसने एक्सपर्टली उधर से जाके एक जगह पर लैंड किया, और वो था राजस्थान में। तो अभी ये डॉक्टर चिंतित हो गए कि उनका अभी प्रेजेंटेशन है दिल्ली में, कई सारे लोग आने वाले, यहाँ छुट्टी प्रेजेंटेशन। सो ही वॉज थिंकिंग वॉट टू डू, अभी इधर से कैसे जाए, राजस्थान से दिल्ली कैसे जाए। तो फिर उन्होंने कैसे तो भी अरेंजमेंट करके कुछ लोगों ने आके उनके लिए एक कार बुक किया। तो कार बुक किया कैब डायरेक्ट फ्रॉम राजस्थान टू दिल्ली। तो वो कार में बैठ गए, तो जब प्रेजेंटेशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो फिर वो जाने लगे हैं, तो जब रास्ते में थे तो बड़ा तूफान आ गया, और इतना जोर से बारिश होने लगा, इतने जोर से हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी, तो कार आगे जा ही नहीं पा रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आगे का। तो ड्राइवर ने सोचा आगे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो फिर कार को कहीं पे तो रुकना पड़ा, एक गांव में, एक सुनसान गांव था। फिर उस गांव में वो गए उधर, और एक जगह पे एक छोटा सा झोपड़ी था, और फिर वो उधर गए डॉक्टर और ड्राइवर, और उधर जाके बोले कि हमें शेल्टर दो, हमें रहने के लिए थोड़ी देर में समय दो, वो जोर से तूफान आ गए हैं, बारिश आ रही है, हमें आगे जाना है। तो फिर उधर के वो जो फैमिली था, सिंपल फैमिली, उन्होंने अंदर बुलाया उनको, डॉक्टर को और उनके असिस्टेंट को, और उधर बिठाया। तो उधर उन्होंने देखा डॉक्टर ने कि एक जो स्त्री है उधर की, एक कोने में बैठ के अपने देवघर जो अल्टर था उसके सामने बैठ के भगवान को बहुत इंटेंसली प्रार्थना कर रही थी, भगवान बचाओ। फिर डॉक्टर ने पूछा बाद में उस व्यक्ति को कि क्या क्या हो गया, वो इतनी दुखी क्यों है, बहुत प्रार्थना कर रहे इंटेंसली भगवान को, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द मैटर। तो वो व्यक्ति ने बोला, उस पति ने, वो स्त्री के पति ने, कि हमारा एक छोटा बेटा है और उसे कैंसर हुआ है, और हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जाना है चेन्नई, क्योंकि उधर एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है, वो ये ऑपरेशन करता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो चाइल्ड का कैंसर वो ट्रीट करता है, वेरी फेमस डॉक्टर। तो उनके पास जाना है, लेकिन हमें जाने के पास कुछ साधन नहीं है, जाने के पास पैसे नहीं है, वी डोंट हैव एनीथिंग, हम बहुत गरीब हैं। तो हम सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें, तो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि हमें कुछ तो मार्ग दिखाइए। तो वो जो डॉक्टर था वो बोल रहा था, ठीक है, वो डॉक्टर का नाम क्या है जो चेन्नई में आप बोल रहे हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है जो कैंसर ट्रीटमेंट करता है। और उन्होंने किसका नाम बताया, वो डॉक्टर का जो ये व्यक्ति खुद थे। तो ये डॉक्टर ने बताया, अरे मैं ही हूँ डॉक्टर हूँ, तो कहा है आपका बच्चा, दिखा। और फिर वो बच्चा जो था वो लेटा हुआ था, कैंसर उसको हुआ था। तो ये डॉक्टर ने उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया उस समय, फिर उसको भी बाद में वो डॉक्टर लेके गया खुद चेन्नई उसके हॉस्पिटल में, और उसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट देके उसको कैंसर से ठीक किया।